भाजपा के वरिष्ठ नेता व पीपीपी प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने विशेष बातचीत करते हुए रेवाड़ी कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव को रेवाड़ी के पिछड़ेपन का जिम्मेदार बताते हुए कहा, सड़कों में गड्ढों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है रेवाड़ी का विधायक। गलती से विधायक बन गए चिरंजीव राव की भविष्यवाणी, आगे से परिवार का सदस्य भी नहीं बनेगा विधायक। चिरंजीव राव के परिवार को ईमानदारी से बात नहीं देती है शोभा। उनके पिता के शासनकाल में खूब हुआ भ्रष्टाचार, पिता की राजनीति विरासत का लाभ ले रहे हैं चिरंजीव राव। भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास का उद्घाटन कर रहे हैं चिरंजीव राव। काफी समय बीतने के बाद सरकार को मुहैया करवाई सड़कों की लिस्ट। विधायक चिरंजीव राव द्वारा पीपीपी में भ्रष्टाचार के बयान पर कहा, विधायक को जानकारी की कमी है, जानकारी को दुरुस्त करें विधायक। पीपीपी में नहीं है कोई भ्रष्टाचार, पीपीपी अंत्योदय योजना के लिए आवश्यक 76,290 परिवारों का जिले में बना बीपीएल कार्ड, 132 योजनाओं का लाभ ले सकेंगे ऐसे परिवार। ऐसी योजनाओं के बारे में चिरंजीव राव के पिता की सोच हो भी नहीं सकती। भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कर रही है कार्य, सब कुछ करना है, पर फिर भी हमें चाहिए। और सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन को संगीता खुराना का नमस्कार। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान, चले ना हनुमान के राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम 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 के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम, मरे ना श्री राम। आज ये जो उद्घाटन कर रहे हैं ये किसका पैसा है? इनके बाप दादा का है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मनोहर लाल जी का है, जनता का पैसा है। उस पैसे से उद्घाटन करके अगर ये विकास को ठुकरा रहे हैं तो ये जनता की भावनाओं को भी ठुकरा रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जनता वैसा ही जवाब देगी जिस तरीके से ये पैसा लेकर के उद्घाटन करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनिफिट भी नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको जनता के बीच में जाके बताना चाहिए कि ये पैसा आप सरकार ने दिया है, जिस तरीके से ये बता रहे कि उनके द्वारा ये विकास कार्य कराए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मैसेज देने से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है। कांग्रेस का विधायक है, हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है, जनता बावली थोड़ी है। आने वाले समय में ब्याज समेत चुकता करेगी। ठीक है सर, सर विधायक की अगर बात कर ले, काफी दिनों से विधायक की सड़कों का मामला चल रहा है। विधायक कहते हैं कि उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, उनका उद्घाटन वो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार उनके बाप दादा की नहीं है, तो कहां देख रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, सबका साथ समान विकास के नारे के साथ हर विधायक को आदर्श विधायक सड़क योजना के तहत सड़कों की राशि मंजूर करके दी। सभी विधायकों से लिस्ट ली गई, रेवाड़ी विधायक ने 90वें नंबर पर लिस्ट दी। रेवाड़ी के विकास के पिछड़ेपन के लिए सही जिम्मेदार हैं तो रेवाड़ी का विधायक चिरंजीव राव जिम्मेदार है, सड़कों में गड्ढे हैं तो उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। उसके बाद लास्ट में इन्होंने लिस्ट दी, समय लेट हुआ। अब उनके बारे में ज़्यादा जानकारी कम है विधायक जी को, वो कहते हैं परिवार पहचान पत्र में भ्रष्टाचार बहुत है। अरे मेरे भाई, और किसी एक कंपनी का नाम लेते हैं, परिवार पहचान पत्र किसी कंपनी ने नहीं बनाया, परिवार पहचान पत्र सरकार ने बनाया, हमारा अपना विभाग है उसके थ्रू बनाया गया। इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, ना कोई कंपनी शामिल है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, और विधायकी तो आपसे होती नहीं है, उसके लिए तो पिछली बार गलती से आप विधायक बन गए, फिर से तो ना आप ना आपका परिवार का कोई सदस्य बनने वाला है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ लेकर के चल रही है। नई सड़कों के लिए बजट आ रहा है, नए विकास का पैसा आ रहा है, और जनता परिवार पहचान पत्र का जो मोड है जिसमें अंत्योदय की योजनाएं हैं, 1,80,000 से नीचे के इनकम वाले सभी परिवार इस योजना में लाभान्वित हुए हैं। रेवाड़ी जिले में 76,290 BPL कार्ड बने हैं, इसका मतलब 76,290 परिवार 1,80,000 से कम आमदनी के हैं, वो 132 योजनाओं के साथ जुड़े हैं, वो सभी लाभान्वित हुए हैं। ये इनके पिताजी कभी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते थे। इनके समय में भ्रष्टाचार दुनिया भर का हुआ, मैंने ही शिकायतें कराई, मैंने ही जांच कराई, मैंने ही मुकदमे दर्ज कराए। एक नगर परिषद रेवाड़ी में एक ही सड़क के अनेकों बार भुगतान हुआ, उसकी जांच हुई, सही साबित हुए, ये किस ईमानदारी की बात करते हैं? ना ये ईमानदार परिवार है, ना ये ईमानदार हैं, ना इनको काम कराना आता है, ना ये विधानसभा में कोई सवाल पूछ सकते हैं। विधायक चिरंजीव राव तो अपने परिवार की जो राजनीतिक विरासत है उसका लाभ ले गए, जो आगे नहीं मिल पाएगा। सर, अभी सरकार ने परिवार पहचान पत्र में कुछ बदलाव किया है, जो नई पॉलिसी लगाई है, वो क्या है पूरी पॉलिसी? मैं परिवार पहचान पत्र हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। पहले से ही मुख्यमंत्री जी की जो योजना है ये बहुत बेहतर चल रही है। अभी इसमें और अनेकों बदलाव किए हैं, और उस बदलाव का कारण पिछली गलतियाँ नहीं हैं, उस बदलाव का कारण इसको और सिंप्लीफाई करना है, और साधारण करना है। किसी को भी परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अब CSA पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल लॉगिंग से भी अपना परिवार पहचान पत्र बना सकते हैं। अपने मोबाइल लॉगिंग करके ही परिवार पहचान पत्र में कोई गलतियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। नया व्यक्ति जोड़ना हो, व्यक्ति हटाना हो, ये भी सारे काम आप अपने फ़ोन के लॉगिन से ही कर सकते हैं। उसके अलावा हर वार्ड स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर अभी एक ऑपरेटर भर्ती की स्कीम निकाली है मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रत्येक पंचायत पर होगा, जो कुछ कमीशन बेस्ड भी होगा और कुछ उसकी तनख्वाह भी होगी। पंचायत के वहाँ का जो ग्राम सचिवालय है वहाँ पर बैठेंगे। किसी भी पंचायत में सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, परिवार पहचान पत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसकी और उपयोगिता को बताना, ये सारी की सारी चीज़ें उस व्यक्ति द्वारा की जाएंगी। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आज से उसका लिंक खुल गया है, 15 तारीख उसकी लास्ट डेट है, जल्द ही ये भर्तियां हो जाएंगी। और ये इतना लोकप्रिय डॉक्यूमेंट होगा कि जनता जब इसको जानेगी, वैसे तो ज़्यादा जान चुकी है, लेकिन जो कमी रह गई है वो कमी इसके द्वारा पूरी की जाएगी। एक विधायक जी का 2 दिन पहले बयान हुआ था धनखड़ साहब को लेकर, धनखड़ साहब को बीच में हटा दिया, वो उनके मान सम्मान नहीं कर रही पार्टी। ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का कार्यकाल होता है, मैं भी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कोई भी अध्यक्ष 3 साल का कार्यकाल होता है। ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल पूरा हुआ, बल्कि उनको 2-3 महीने एक्सटेंशन भी रहा, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। ये बदलाव का समय है, अब होता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो छोटे से छोटे बूथ के कार्यकर्ता रहे हैं। बूथ का कार्यकर्ता हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी बूथ के कार्यकर्ता रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस दादालाई चीज़ों को लेकर के चलती है। पिछला कार्यकाल, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल में इनकी टीम का गठन नहीं हो पाया, ये भी लगभग पूरा होने जा रहा है, टीम का गठन नहीं हो पाया। तो ऐसी एक पार्टी, 65 साल पुरानी पार्टी, जिसका संगठन का गठन ना हो, उस पर विधायक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर चर्चा करें, टिप्पणी करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूँ इस संगठन के मामले में अभी वो अन्य विज्ञ हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में आकर के संगठन को सीखना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करनी चाहिए। मैं दूसरी पार्टी से आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सेवा प्रकोष्ठ तक में रहा हूँ, अभी सरकार मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी, इस बात का तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मलाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को जो मान और सम्मान मिलता है, वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता।